नमस्कार, भिवानी हलचल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। सरसों की खरीद पर कृषि मंत्री का बयान, 161 केंद्रों पर खरीद हुई शुरू, लगभग 20,000 टन सरसों खरीदने का कार्य जोरों पर। अच्छी पहल, चल अस्पतालों की शुरुआत, घर घर जाकर करेंगे बीमारियों का इलाज। नगर के चौक हैं वीरान, लॉकडाउन का लोग कर रहे हैं पालन, सैनिटाइजेशन का भी चल रहा है काम। चरखी दादरी में लॉकडाउन पर जिला पुलिस हुई सख्त, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की शहर के मुख्य चौकों पर। पशु पक्षियों के लिए भी आगे आ रहे हैं समाज सेवक, कर रहे हैं दाना पानी का इंतजाम। सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है बबीता फोगाट, अपनी पोस्ट पर आ रहे कमेंट्स का दिया करारा जवाब। तोशाम ब्लॉक खरकड़ी गांव की नहर में स्नान कर रहे छात्रों को एसडीएम ने पढ़ाया सामान्य ज्ञान का पाठ, घर में रहने की दी सलाह। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सरसों खरीद के बारे में विशेष बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की सुविधा व सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 161 परचेज सेंटर बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पहले ही दिन हरियाणा में 9,000 टन सरसों की खरीद की गई है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सरसों की खरीद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सरसों की खरीद के लिए 161 परचेज सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें पहले दिन लगभग 9,000 टन सरसों की खरीद की गई और दूसरे दिन लगभग 20,000 टन सरसों की खरीद की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरसों की खरीद से पहले मंडियों के गेटों पर किसानों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है और सैनिटाइजर और मास्क का भी पूरा इंतजाम किया गया है। किसान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी फसल बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी किसान को यदि फसल बेचने में कोई दिक्कत आती है तो वे प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न संचार माध्यमों से सूचित कर सकते हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के आह्वान पर अपनी फसल का कुछ हिस्सा दान करने वाले किसानों का भी धन्यवाद किया। आज हरियाणा में लगभग 161 परचेज सेंटर्स पे सरसों की खरीद शुरू हुई और सब व्यापारियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बड़ी अच्छे ढंग से काम किया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह से आने वाले वक्त में भी वो मंडी को चलाते रहेंगे। 4,000 से ज़्यादा किसान अपने अनाज को लेकर मंडी में आए और 8,000 टन से 9,000 टन से ज़्यादा ही सरसों की पहुंच हुई। कल से सारी व्यवस्था को दुगना कर दिया जाएगा और मैं उन दानी किसानों का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से थोड़ा बहुत दान भी किया है, अन्न दान किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनको एक बार फिर दोबारा से भरोसा दिलाता हूं कि उनके फसल का पूरा पूरा भाव दिया जाएगा, पूरी पूरी खरीद की जाएगी और चाहे सरसों हो चाहे गेहूं हो, उनको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना योगदान जो भारतवर्ष के खाद्यान्न भंडार भरने में दे रहे हैं, सारा देश आपका ऋणी है।
चरखी दादरी में मोबाइल सिविल हॉस्पिटल की शुरुआत करते हुए नई पहल की गई। इसके चलते 10 वाहनों में डॉक्टर्स व हेल्थ वर्कर्स की ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोगों को घरों में पहुंचकर उन्हें चिकित्सा सुविधा व दवाइयां उपलब्ध करवाई जा सके। यह जानकारी शुक्रवार को चरखी दादरी के CMO डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने दी। चरखी दादरी के सिविल हॉस्पिटल में चल सिविल अस्पताल की शुरुआत की गई, जिसके तहत 10 वाहनों में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्करों की ड्यूटी लगाई गई है जो लोगों को घर पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। इन चल अस्पतालों में मरीजों को फ्री में दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जिस भी व्यक्ति को अपना चेकअप कराना हो वो इन चल अस्पतालों के नंबर पर फोन कर टीम को अपने घर बुला सकता है। इस बारे में चरखी दादरी CMO डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि जैसी स्थिति आजकल चल रही है उसके मुताबिक सिविल अस्पताल में केवल वही लोग आएं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। हल्की फुल्की बीमारियों के लिए वो चल अस्पताल की हेल्पलाइन कर फोन कर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 10 वाहनों में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्करों के साथ साथ दवाइयों की भी सुविधा की गई है। हमने बनाई है जो कि महिंद्रा बोलेरो पे है, बकायदा उनको हमने फैंसी उनको बिल्कुल कलरिंग भी की है उनको, और स्टिकर्स वगैरह लगाए हैं जिसमें नागरिक अस्पताल के स्टिकर्स हैं, जैसे कि नागरिक अस्पताल ही उठ के उनके घर में आ गया। सर इस टीम में एक तो डॉक्टर है, इसके अलावा एक स्टाफ नर्स है, एक ANM है और एक मेल वर्कर है जी। ये सभी जो भी लोग होंगे उनका रिकॉर्ड करेंगे जी। और जैसे कंट्रोल रूम में कोई भी कॉल आएगी जो नियरेस्ट गाड़ी होगी उसको हम बताएंगे वो, और उसको एड्रेस दे देंगे कि आप वहाँ पहुँचिए, ये आदमी है जिसने कॉल किया, आप इसको कॉन्टेक्ट कीजिए। तो संक्रमित केस नहीं है हमारे पास, दादरी बिल्कुल जीरो केस है अभी तक जी। और जितने भी हमारे तबलीकी और जितने भी जमाती वगैरह कॉन्टेक्ट्स थे और वो थे सब नेगेटिव आए हैं, तो इसके लिए अभी हमारा जो दादरी ज़िला है बिल्कुल महफूज है जी। अभी कोई भी ऐसा संक्रमण की कहीं भी कोई भी खबर हमारे पास नहीं। देखो जो रेड जोन है गुड़गावा, उससे अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ तो ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलता है जी। तो उसमें धज्जर और दादरी के ही उसके लपेट में आने के चांसेस हैं जी। उस चीज़ के लिए हम पूरी तरह से सजग हैं जी। हम लोगों को बिल्कुल सेंसिटाइज किया हुआ है, जगह जगह हमारी टीम है जाके लोगों को समझा रही हैं जी। इसी तरह से बाकी जो भी लोग हैं, जो भी गाँव के लोग हैं, उनको भी हम SMS के थ्रू बाकी और चीज़ों से भी उनको लगातार उनको बता रहे हैं कि खतरा ज़्यादा दूर नहीं है, कृपया करके ये जो एक्ट, जैसे नेक्स्ट प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 10-12 दिन बहुत ही अहम हैं, और मैं बताना चाहूँगा दादरी वासियों को कि लड़ाई में, कोरोना की लड़ाई में कोई जीतेगा तो सबसे पहले हरियाणा ही जीतेगा। इसके अलावा बाय चांस कोई पेशेंट ऐसा है जिसको कहीं ट्रांसपोर्ट या बाहर कोई पेशेंट इनको मिला तो उस पेशेंट को भी ये हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसपोर्ट भी कराएंगे, तो ये भी एक काम करेंगे। तो इसके लिए लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दादरी वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो आराम से बिल्कुल विश्वस्त होकर अपने घरों में रहें जी। कोई ऐसी बात है तो उनको हम उनको घर पे भी देख के आएंगे, और अगर उनके मरीज को हॉस्पिटल में लाने की आवश्यकता है हम उसका भी इंतज़ाम करें। सर अगर बात करें कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के तहत भिवानी के वीरान पड़े चौक चौराहे इस बात को बयान करते हैं कि यहां के नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन कर रहे हैं ताकि हरियाणा में कोरोना महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। कोरोना वायरस के चलते भिवानी शहर पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहा है। शहर के मुख्य चौक पूरी तरह से वीरान नजर आ रहे हैं। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग निकल रहे हैं या फिर सरकारी कर्मचारी ही बाहर दिखाई दे रहे हैं। सुबह और शाम जरूरत के सामानों की दुकानों को खोला जा रहा है। वहीं नगर परिषद भिवानी द्वारा शहर के मुख्य चौकों और अन्य कॉलोनियों में सैनिटाइजर की प्रक्रिया भी चल रही है। लॉकडाउन के चलते चरखी दादरी में पुलिस विभाग ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। यह जानकारी देते हुए चरखी दादरी के DSP शमशेर सिंह ने बताया कि धारा 144 व लॉकडाउन के चलते कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर घूमता हुआ मिला तो उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जाएगा। अतः उन्होंने सभी को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी। जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है उसको देखते हुए लोगों का घूमने पर पूरी तरह से सख्ताई भी की गई है। जिस तरह से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए उसको लेकर पुलिस ने दादरी के मेन चौकों पर स्पेशल पुलिस की तैनाती की है। DSP शमशेर सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के चलते धारा 144 लागू की गई है।
जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि दादरी में अभी तक जनता का सहयोग उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा जो लोग जिले में बाहर घूम रहे हैं उन्हें जागरूक किया जाता है, साथ ही उन्हें वापस भेज कर घर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। जिला चरखी दादरी में जो लॉकडाउन पहले 25 मार्च से और उसके पश्चात जो 15 मार्च से शुरू हुआ है उसमें जो धारा 144 के आदेश हैं उनमें पूर्णतः उनको लागू करवाया जा रहा है। आज सुबह से थोड़ी सी जो मूवमेंट देखी गई थी उसको देखते हुए हमने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की है और जो 144 का है वो 27 से लागू करवाया जा रहा है। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बनवाया जा रहा है और जो अननेसेसरी लोग घूम रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। वीरवार शाम को बेटर चांस प्रोवाइडर फाउंडेशन संस्था ने नगर के जरूरतमंद लोगों को रोजाना प्रयोग में की जाने वाली वस्तुएं वितरित की। वहीं इस बारे में संस्था के अध्यक्ष हिमांशु अरोड़ा ने बताया कि उनकी संस्था रोजाना लोगों को साबुन, तेल, टूथपेस्ट, मास्क इत्यादि का सामान वितरित करती है। लॉकडाउन के फैसले से जहां एक ओर हम कोरोना से लड़ने में सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रोज की मजदूरी दिहाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले कुछ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। मजदूर वर्ग के लोगों को जीवन यापन में कोई परेशानी ना हो इसके लिए प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ए बेटर चांस प्रोवाइडर फाउंडेशन संस्था रोज जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन के साथ साथ समय पर दैनिक जरूरतों की वस्तुएं भी वितरित कर रही हैं। संस्था सदस्यों ने बताया कि लॉकडाउन के शुरू से ही वे रोजाना प्रवासी मजदूर और जरूरतमंद व्यक्तियों को शाम का भोजन देते हैं और समय समय पर जरूरत की वस्तुएं भी उन्हें देते हैं। सर, मेरा नाम हिमांशु है और ए बेटर चांस प्रोवाइडर फाउंडेशन का फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ मैं। हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस के थे, जो अब इस समय पे उनकी कोई कमाई का जो सोर्स नहीं है, उनके लिए हम डेली पका हुआ भोजन वितरण करते हैं शाम को। और हमने कुछ झुग्गियों में जाकर देखा, कुछ झोपड़ियों में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ के लोग जो है ना उनके पास शौच के बाद वो मिट्टी से हाथ धोने के मजबूर हैं। उनके पास साबुन नहीं है, उनके पास सर्फ नहीं है, वो उनके पास टूथपेस्ट ख़त्म हो चुका है और पैसे नहीं है कि इस समय वो टूथपेस्ट कहाँ से लेकर आएँ। तो हमने उनको टूथपेस्ट और एक सर्फ का पैकेट, साबुन, मास्क ये हम अब सप्लाई कर रहे हैं आज, और हम समय समय पर ये वस्तुएं सप्लाई करते रहते हैं इनको। और हमने आज दूध भी, सुबह भी दूध सप्लाई किया, वैसे हम शाम को तो दूध करते ही हैं खाने के साथ में, आज हमने सुबह भी दूध सप्लाई किया है। और जैसे जैसे आगे और भी अगर हमें कुछ महसूस होगा कि यहाँ पे जो और ज़रूरतें हैं तो हम वो भी पूरी कोशिश करेंगे इनकी ज़रूरतों को पूरा करने की। छोटी काशी के नागरिक लॉकडाउन व कोरोना महामारी के चलते प्रत्येक ज़रूरतमंद नागरिक व पशु पक्षियों का ध्यान दे रहे हैं। विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं बेजुबान पशु व पक्षियों को भी चारा व दाला खिला रही है ताकि प्रकृति में संतुलन को बनाए रखा जा सके। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने के बाद जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित करने के लिए अनेक सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं, वहीं बेजुबान बेसहारा पशु पक्षियों को भी चारा दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए समाज सेवक आगे आ रहे हैं, जो शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर इन बेजुबान और बेसहारा पशु पक्षियों के लिए चारा और दाना पानी के इंतजाम कर रहे हैं। ये समाज सेवक सुबह शाम इन्हें चारा देते हैं। लोगों की तरह ये बेजुबान बेसहारा पशु पक्षी भी इनकी राह पर ताकते हुए नजर आते हैं। मैं सत्यवान सिंह ठेकेदार नगर परिषद से, और हमारे नगर परिषद के प्रधान रण सिंह यादव और हमारे जितने पूर्व एमसी, तत्कालीन एमसी ठेकेदारों ने और हमारे संस्थापक सुरेंद्र सिंह म्यूनिसिपल इंजीनियर हैं, उन्होंने ये पहल की है। और हम लगातार जो है 25 दिनों से लग रहे हैं और जब तक लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मुहिम को जारी रखना चाहते हैं। हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है, हमारे प्रधान जी रण सिंह जी ने बहुत सहयोग किया है, एमई साहब जो संस्थापक हैं उन्होंने ही शुरुआत की थी शुरू में इसकी, और सारे जितने हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और मेन ठेकेदार हैं, सभी के सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट तबलीगी जमात पर दिए गए ट्वीट मैसेज पर काफी ट्रोल हो रही है। लोग उन्हें ट्वीट पर अनेकों प्रकार के मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन बबीता फोगाट भी कोरोना वायरस फैलाने वालों को ट्वीट करके करारा जवाब दे रही है।
सोशल मीडिया पर पिछले काफी दिनों से भाजपा नेता और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट अपनी पोस्ट की वजह से काफी ट्रोल हो रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद से वे लगातार सोशल मीडिया पर लोगों का निशाना बन रही हैं। उस पोस्ट को लेकर जहां लोग तरह तरह के मैसेज उन्हें कर रहे हैं, वहीं अब उन्होंने एक वीडियो रिलीज कर उन सभी पोस्ट का करारा जवाब दिया है। और वीडियो में वे साफ कहती दिखाई दे रही हैं कि जो ट्वीट उन्होंने किया था उसमें कुछ भी गलत नहीं है और वो अपने ट्वीट पर अभी भी कायम है। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी। अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। भिवानी जिले के खरकड़ी गांव की नहर में शुक्रवार को स्नान कर रही छात्रों को तोसाम के एसडीएम संदीप कुमार ने पकड़कर भविष्य की नसीहत देते हुए घर पर रहने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि धारा 144 के चलते छात्र व युवा वर्ग अपने अपने घरों से ना निकले। वहीं उन्होंने स्नान कर रही विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान का पाठ भी पढ़ाया। अपना कौन सा राज्य है, राजधानी क्या है, है? और भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। आज फिर मत आना यहाँ पे, ओके। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सरसों की खरीद पर कृषि मंत्री का बयान, 161 केंद्रों पर खरीद हुई शुरू, लगभग 20,000 टन सरसों खरीदने का कार्य जोरों पर। चरखी दादरी अस्पताल ने की अच्छी पहल, चल अस्पतालों की शुरुआत, घर घर जाकर करेंगे बीमारियों का इलाज। नगर के चौक हैं वीरान, लॉकडाउन का लोग कर रहे हैं पालन, सैनिटाइजेशन का भी चल रहा है काम। चरखी दादरी में लॉकडाउन पर जिला पुलिस हुई सख्त, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की शहर के मुख्य चौकों पर। पशु पक्षियों के लिए भी आगे आ रहे हैं समाज सेवक, कर रहे हैं दाना पानी का इंतजाम। सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है बबीता फोगाट, अपनी पोस्ट पर आ रहे कमेंट्स का दिया करारा जवाब। तोसाम ब्लॉक खरकड़ी गांव की नहर में स्नान कर रहे छात्रों को एसडीएम ने पढ़ाया सामान्य ज्ञान का पाठ, घर में रहने की दी सलाह। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।